हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। इसलिए फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। सो आज का जो सेशन होने वाला इवनिंग का, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्टेस्ट नंबर वन। ओके, सो मॉर्निंग में जो हमने कॉन्टेस्ट अपलोड किया था हमारे वेबसाइट पे, ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। सो देर वेर 7 क्वेश्चन इन दैट कॉन्टेस्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट। सो चलो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दैट कॉन्टेस्ट। ऑल राइट, चलिए कमेंट देखते हैं, कमेंट में कौन कौन आया हमारे साथ। संदीप रॉय, हेलो। संदीप राय, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अवर एफर्ट। ओके, सो लेट एवरीवन जॉइन द सेशन, देन विल स्टार्ट अवर सेशन। ओके, लेट एवरीवन जॉइन फॉर दिस लाइव। ऑल राइट, तो चलिए बिफोर एवरीवन जॉइन, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट इंस्टीट्यूट IFS। So IFS has taken this initiative. So for the student, those who are preparing for upcoming IIT JAM exam, so we have started this series of lectures. Okay, it's like a revision series for integral calculus. So as you know, integral calculus is one of the most important subject for IIT JAM exam. It contribute almost 11 to 14 marks from the exam. Okay, so that's why we have taken this initiative. Okay, so integral calculus में हमने morning session में देखा था double integration. डबल इंटीग्रेशन में हमने थ्योरी देखा था मॉर्निंग में, हाउ दिस डबल इंटीग्रल वी कैन इवेल्युएट इफ माय रीजन इज रेक्टेंगुलर रीजन। ओके, हाउ टू इंटीग्रेट द फंक्शन f(x,y) इफ माय रीजन इज नॉन रेक्टेंगुलर। तो नॉन रेक्टेंगुलर का भी हमने दो केसेस देखा था। ओके, इफ वर्टिकली सिंपल होता है तो लिमिट्स कैसे लेते हैं, इफ आई हैव हॉरिजॉन्टली सिंपल रीजन देन हाउ टू टेक लिमिट्स, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड हाउ टू कन्वर्ट सम वेरिएबल xy इंटू uv। ओके, तो क्या आता है, एक याकोबियन फैक्टर आ जाता है, तो याकोबियन बहुत ही मैटर करता है वाइल इंटीग्रेटिंग। ओके, सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो आज का जो सेशन होने वाला है इवनिंग का, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्निंग में जो हमने कॉन्टेस्ट अपलोड किया था, कॉन्टेस्ट नंबर वन, उसके कुछ क्वेश्चन। ओके, सो I would like to know in the comment section whether we have attempted that contest or not. Okay, so that I have to move ahead. तो चलिए फटाफट। हैदर, गुड इवनिंग हैदर, हैव यू ट्राइड द कॉन्टेस्ट? आपको कॉन्टेस्ट पता चल गया? हैव यू अटेम्प्टेड दैट कॉन्टेस्ट? ऑल राइट हैदर, आवर टीम विल हेल्प यू। ओके, डोंट वरी, जिनको जिनको कॉन्टेस्ट नहीं मिला वेबसाइट पे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैम विल हेल्प यू। मैंने शिवांगी मैम से, ऑल राइट, ओके, देर माइट बी सम टेक्निकल एम्बिग्यूटी, आई विल आस्क, बट अभी वो टेस्ट अवेलेबल है, यू कैन चेक नाउ। ओके, मैं आई चेक बाय माई सेल्फ, सो द कॉन्टेस्ट इज स्टिल ऑन आवर वेबसाइट। ओके, तो ठीक है, अगर कॉन्टेस्ट आपने दिया भी नहीं है तो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो एज यू नो दिस इज द सीरीज वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, सो 100% एश्योरेंस प्रिपरेशन। तो इंटीग्रल कैलकुलस पे जो भी क्वेश्चन आता है, सो आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज आई विल गारंटी यू, यू कैनॉट स्किप इवन वन क्वेश्चन। तो इंटीग्रल क्वेश्चन पे एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन बनना ही चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर मोटो। ओके, तो बढ़ते आगे। सो टॉकिंग अबाउट आवर इंस्टीट्यूट IFS, IFS हैज लॉन्च दिस वेरियस कोर्सेज फ्रॉम ऑल द ब्रांचेज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, CSRNET, GATE, IIT JAM, NEET, DBT and General Aptitude. ओके, सो दीज आर द वराइटी ऑफ कोर्सेज एंड वी आर अप्लाई, there are all the branches like life sciences, chemical sciences, physical science and mathematical science, for all branches we are providing these courses. Okay, so jitne bhi courses hai, CSRNET, GATE, IIT JAM, NEET, if you are interested and want to enroll yourself for these courses, you can see the contact number on the bottom side. Okay, 917-226-888. Okay, and you can also visit our official website www.ifsonline.com. all right, ओके, जय हैदर, आवर सपोर्ट टीम विल गाइड यू, ओके, रिगार्डिंग द हाउ टू एक्सेस द कॉन्टेस्ट। ओके, सो डोंट वरी,
तो अभी फिलहाल फोकस करते हमारे कॉन्टेस्ट का डिस्कशन पे। तो अगर आपने कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं किया मॉर्निंग में, डोंट वरी, यू कैन गो आफ्टर इस सेशन के बाद। सेशन ख़त्म होने के बाद आप वेबसाइट पे जाओ हमारे, वो वेबसाइट पे कॉन्टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके, आई हैव चेक बाय माई सेल्फ, द कॉन्टेस्ट इज स्टिल देयर। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। All right, so this was about our courses, and there is good news for all the aspirants who are preparing for upcoming CSRNet and GATE exam. So we are starting the fresh batches from 4th January 2021. Okay, so regarding registration, you can contact 917-226-888. Okay, and you can also visit our official website www.ifsonline.com. Okay, so if you want to clear this upcoming CSRNet and GATE, so for sure you can enroll yourself. Then about the RPSC exam, okay, Rajasthan Public Service Commission. So we are launching the exclusive online crash course. Okay, so if you are interested and want to appear for the upcoming RPSC exam, then definitely go for it. All right. Hello, am I audible in comment section? Please comment section mein likhiye. All right. चले देर आगे बढ़ते फटाफट। एंड जीपीएससी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू यू नो जीपीएससी इज अ लेक्चरशिप एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स। वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग द कोर्सेज फॉर जीपीएससी एग्जाम एज वेल। ओके, सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपीएससी एग्जाम, यू कैन एनरोल योर सेल्फ। ओके, सो देन सी एस आर नेट एंड गेट के फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, 4th January से ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ओके, सो जनवरी 4th से स्टार्ट कर रहे हैं हम बैचेस। तो चलिए बढ़ते आगे और स्टार्ट करते जिस काम के लिए हम आज मिले इधर। ओके, सो डिस्कशन ऑफ कॉन्टेस्ट नंबर 1। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है, 4x² - y² का रूट और उसका डबल इंटीग्रेशन निकालना है ओवर द रीजन। सो व्हाट काइंड ऑफ रीजन दे हैव गिवन, लेट मी शो यू। दिस इज द रीजन y = 0, y = x एंड x = 1। अभी मुझे बताओ ये y = 0, y = x एंड x = 1 ये किस टाइप के लाइन्स है। दिस आर द स्ट्रेट लाइन्स। ऑल राइट, तो स्ट्रेट लाइन के जो और जो स्ट्रेट लाइन से जो बाउंडेड रीजन बन रहा है उस रीजन पे हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हैदर, हाउ वन कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, आवर एम इज टू कंस्ट्रक्ट द रीजन, जिस रीजन पे हमें इंटीग्रेट करना है पहले वो रीजन तो फाइंड करते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड करते हैं हम रीजन, लेट मी शो यू। सपोज दिस इज माय रीजन, लेट मी ड्रॉ। ओके, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज लेट्स से वाई एक्सिस। ऑलराइट, ओके, सो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अभी देखो ये तीनों लाइन प्लॉट करते हैं 1 by 1। ओके, मुझे बताओ अभी वाई इक्वल टू जीरो ये लाइन कैसे दिखेगा। वाई इक्वल टू जीरो मतलब होता क्या है, वाई इक्वल टू जीरो इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। ओके, सो इफ आई हैव टू प्लॉट दिस एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, दिस इज द लाइन आई हैव टू प्लॉट। ऑलराइट, देन बात करते हैं सेकेंड लाइन, फर्स्ट शो फिगर टू डिसाइड द रीजन। वेरी गुड, पहले क्या करना है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, जो भी तीनों लाइन दिए उनका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमको आइडिया आ जाएगा करना क्या एक्चुअल में। ओके, बढ़ते आगे और देखते सेकंड लाइन प्लॉट क्या करेंगे। सेकंड लाइन, तो मुझे बताओ y इक्वल टू x लाइन कैसे दिखेगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। ऑल राइट, तो ये इस टाइप का मुझे कुछ रीजन दिखेगा। देन x इक्वल्स टू 1 मीन्स वॉट, दिस इज माई x इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इज माई y इक्वल्स टू x एंड दिस इज माई y इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमने तीनों लाइन पहले तो प्लॉट कर लिया, अभी बात करते हैं रीजन की। तो रीजन क्या होगा, इन तीनों लाइन से जो भी बाउंडेड रीजन है हमारे पास, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड रीजन। ओके, लेट मी हाईलाइट दिस रीजन। तो ये हमारा जो रीजन है उस पे हमें इंटीग्रेट करना है किसको, फंक्शन जो भी गिवन है वो वाला फंक्शन को। ओके, तो फटाफट मुझे बताओ अभी रीजन तो मिल गया, अभी क्या करेंगे। तो फर्स्ट सी, इट इज़ कन्वीनियंट टू चेंज द इंटीग्रल। ओके, हमें पता है चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे करते हैं। सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ 4x² - y² dy dx, तो क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन चेंज किया। अभी चेंज क्यों किया, ध्यान से देखो मैंने, बिकॉज वी हैव दिस नाइस फॉर्मूला। ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x², इसका फॉर्मूला क्या है,
What is the formula? This is simply x by 2. All right. This is simply, okay, x by 2 into what? So x by 2 into this a square minus x square plus a square by 2 into sine inverse of x by a plus c. ओके तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करने वाले. अभी मुझे बताओ, हम अगर विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं इंटीग्रेट, तो वेरिएबल कौन सा होगा इस केस में? वेरिएबल विल ट्रीट एज y. ओके और जो हमारे कॉन्स्टेंट है वो क्या होगा? 2x उसका होल स्क्वायर. ओके सो इफ आई, लेट मी चूज अनदर थिंग, डबल इंटीग्रेशन ऑफ. अभी मुझे बताओ इसका रेंज का क्या होगा x एंड y का? देखो हमें रीजन तो पता चल गया, ये जो आपको रीजन दिख रहा है येलो कलर में, येलो रीजन, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रीजन. तो अभी क्या करना है, जो आउटर रीजन है वो क्या अभी x है हमारे पास? ओके बिकॉज वी हैव चेंज द इंटीग्रल. ओके तो क्या करना पड़ेगा, आउटर जो इंटीग्रल होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट लिमिट कैरी करता है. तो क्या करना पड़ेगा, इस रीजन को हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे. y x एक्सिस पे हम प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो आउटर लिमिट है वो हमारा x है. ओके तो वी हैव टू प्रोजेक्ट, हमें क्या करना है, परछाई देखनी है किस रीजन की, इस रीजन येलो रीजन का आपको दिख रहा है R, उसकी परछाई देखनी है. किधर देखनी है? x एक्सिस पे. ओके तो इफ आई प्रोजेक्ट डाउन माई होल रीजन ऑन लेट्स से x एक्सिस, तो कैसे दिखेगा? दिस इज द रीजन. ओके तो ये जो आपको लेवेंडर कलर में लाइन दिख रहा है वो उसका परछाई होगा, किसका? रीजन R का. अभी मुझे बताओ परछाई लेने के बाद x किधर से किधर जा रहा है? 0 to 1. ओके सो एज फार एज द रेंज ऑफ x कंसर्न, x इज रनिंग फ्रॉम 0 to 1. और जो हमारा y किधर से किधर जा रहा है? y जा रहा है हमारा 0 से लेकर x तक. ओके सो y जो हमारा भाग रहा है 0 से लेकर x तक. तो हमने x और y का तो लिमिट, ओके सो जिनको जिनको कॉन्टेस्ट नहीं मिला है, ओके कॉन्टेस्ट इज स्टिल अवेलेबल. ओके सो कुछ टेक्निकल एम्बिग्यूटी होगी बट डोंट वरी. सो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप ये सेशन होने के बाद आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और कॉन्टेस्ट देख सकते हैं. जिन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं दिया है उनके लिए फिर से बता देता हूँ मैं, डोंट वरी इफ़ यू हैवंट फाउंड अ कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट इज अवेलेबल, आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एंड एक्सेस द कॉन्टेस्ट. ओके आई हैव बाय माई सेल्फ चेक द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट. ओके अगर नहीं मिला है तो ठीक है, डिस्कस करते क्वेश्चंस. तो अभी मुझे बताओ इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर मतलब मेरा वाई स्क्वायर. अभी इस केस में वेरिएबल है हमारा वाई. ओके तो फटाफट लिमिट देखते हैं, y का लिमिट कितना है? y का लिमिट है 0 टू लेकर x तक एंड x का लिमिट है 0 से लेकर 1 तक. ओके तो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं. तो पहले क्या होगा, अंदर वाला इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y. ओके ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते पहले तो क्या आएगा, 0 टू 1 विल बी एज इट इज. नाउ दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी सिंपली एक्स बाय टू. एक्स बाय टू मतलब क्या होगा? वाई बाई टू एन टू एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा? फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके प्लस ए का स्क्वायर. ए का स्क्वायर मतलब क्या होगा? फोर एक्स स्क्वायर अगेन बाय सॉरी फोर वाई स्क्वायर बिकॉज वेरिएबल माई वाई. फोर एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए. अभी एक्स एक्स मतलब क्या है मेरा? एक्स मतलब वाई. सो वाई बाय टू. टू मतलब वाई बाय ए मीन्स वॉट? 2x. सो ये आ गया हमारे पास. ओके सो y बाई टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ y बाई टू एक्स. ओके ये हो गया हमारा पहला इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट. लिमिट्स क्या है y के हमारे पास? 0 टू x. सो अमित कापस इज सेइंग 1 बाय रूट 3 प्लस पाई बाय 9. चेक करते हैं अमित कितना आता है. मनोज सर गुड इवनिंग. चलो फटाफट बढ़ते आगे. और हमारे पास बाहर का लिमिट कौन है? dx. तो अभी क्या करना है, आवर एम इज, आवर जॉब इज टू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ओके सो देखते क्या आता है. 0 टू 1. अभी अपर लिमिट क्या है? x है मतलब जिधर आपको y दिखेगा उधर x पुट करना है. ओके तो पहले पुट करते हैं x बाय टू. ओके फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाय टू मतलब कितना होगा? मतलब 2x स्क्वायर होगा. साइन इनवर्स ऑफ y की जहाँ पे x आएगा तो क्या होगा? x बाई एक्स कैंसिल होगा तो 1 बाई टू बचेगा. ये होगा हमारा अपर लिमिट. अभी बात करते हैं लोअर लिमिट की. अगर लोअर लिमिट 0 पुट करता हो, अगर y की जहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा? पहला टर्म तो वैनिश होगा, सेकंड टर्म साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय 2x वो भी वैनिश होगा. तो क्या हो रहा है? 0 आ रहा है. तो देर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दैट टर्म. ओके तो सिंपली dx लिख दो, आंसर हो गया. तो अभी क्या करना है, पहला इंटीग्रेशन का आंसर तो निकाल लिया, अभी जो बाहर वाला इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx वो इवेल्यूएट करना है. तो ध्यान से देखो कैसा आएगा. सो इफ आई इवेल्यूएट दिस फॉर द 0 टू 1, सो रूट 3 बाई 2 ये एक्स स्क्वायर और रूट क्या होगा? कैंसिल होगा तो सिंपली एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर
अभी साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होता कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज नथिंग बट 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब क्या होता है हमारा पाई बाय 6. ओके, यह आ गया हमारा डीएक्स. तो अभी एक्स स्क्वायर पहले कॉमन निकाल लेते हैं, और ये 2 × 2, 2 × 3 = 6 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रल ओवर 0 to 1 √3/2 प्लस पाई बाय 3, और एक्स स्क्वायर हमने कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया डीएक्स. इधर तक समझ में आया सबको, क्या किया हमने फर्स्ट इंटीग्रेट करने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं हम. तो अभी क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ये जो रूट 3/2 प्लस पाई बाय 3 आपको टर्म दिख रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसको कॉमन आउट लेना है. तो मुझे बताओ, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल गोइंग ऑन. रूट 3/2 प्लस पाई बाय व्हाट, 3x² पाई बाय 3, एक कॉन्स्टेंट निकला 0 to 1 x² dx. ओके, और कुछ है क्या फैक्टर, कोई नहीं है. ओके, तो अभी बताओ एक्स स्क्वायर कंडीशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, दिस इज सिंपली √3/2 प्लस π/3. एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³/3 ओवर 0 to 1. तो 1 पुट करेंगे तो 1/3, 0 पुट करेंगे तो 0/3, तो क्या होगा 1/3 √3/2 प्लस π/3. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ये आंसर किसका किसका आ गया, 1/, ये आ गया आंसर किसका किसका. सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर, ओके, यू वेरीफाई वेदर यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट. ओके, 1/3 टाइम्स √3/2 प्लस π/3, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो जिनका जिनका ये आंसर आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी करेक्ट वन. ऑल राइट, सो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे किसका किसका आंसर आया था मॉर्निंग में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद. इवन इफ यू हैवंट एक्सेस द टेस्ट इन मॉर्निंग, डोंट वरी, अभी अवेलेबल है, यू कैन एक्सेस द टेस्ट. चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, सर लिमिट पुट फर्स्ट इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाला दिखाया गया. तो देखो अगर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो ज़रा, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, ओके, तो फॉर्मूला चेंज होगा. ओके, सो बट इट इज़ कन्वीनियंट टू इंटरचेंज द वेरिएबल बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला. ओके, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है इसके लिए. ओके, सो अगर मैं dy dx भी लेता हूँ, ओके, dx dy भी लेता तो भी आंसर आएगा, देर इज नो इशू. ओके, बट फॉर्मूला क्या उसके लिए चेंज होगा थोड़ा सा, दैट्स द प्रॉब्लम. तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना पड़ेगा, हाउ दिस रीजन विल लुक लाइक, इसका रीजन कैसे दिखेगा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए. क्या दिया है, दो पैराबोलास दिए, और दोनों पैराबोला का क्या करना है, दोनों पैराबोला के जो बीच में रीजन बाउंड होता है उस पैराबोला पे हमें इंटीग्रेट करना है पूरे इंटीग्रेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को. ओके, सो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके जाकिर, यू कैन ट्राई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी वाई, देर इज नो इशू, आंसर आपको सेम ही आएगा. ओके, सो हैदर मुझे बताओ अभी सेकेंड, हैदर अमित फटाफट मुझे बताओ, राजेंद्र मुझे बताओ सेकेंड का रीजन कैसा दिखेगा, दो पैराबोला इंटरसेक्ट होते तो कैसे दिखेंगे. सो इट विल लुक लाइक अ लीफ. ओके, जो लीफ होता है हमारा उस तरह का कुछ दिखेगा. सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द पैराबोलास. ऑलराइट, तो देखते कैसे मिलेगा ये लीफ. ऑलराइट, सो सपोज ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस. ऑलराइट, तो भी मुझे दो पैराबोला ड्रॉ करना है, ध्यान से देखो जरा. तो पहले मुझे बताओ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखता कैसा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ कैसे करते, ध्यान से देखो. हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. अगर मेरा ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव किधर रहता है, ऊपर. ओके, अपर हाफ प्लेन में, तो अपवर्ड पैराबोला आएगा. ओके, ये हो गया हमारा पहला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अभी मुझे बताओ व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इस सेकंड जो पैराबोला होगा कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम. तो सेकंड पैराबोला कैसा है, अभी लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड विच इज वोट एक्स पॉजिटिव. तो एक्स पॉजिटिव है तो कैसे दिखेगा, एक्स पॉजिटिव किधर रहता है, एक्स एक्सिस में ना, इधर. तो इस टाइप का कुछ दिखेगा. तो ये हमारा इंटरसेक्शन जो है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला. एंड मैंने आपको बताया तो इंटरसेक्शन कैसे आएगा, एक लीफ की तरह आएगा. ओके, तो ये लीफ है हमारा.
तो इस रीजन पे हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके लिमिट कैसे निकालेंगे, भी इस केस में चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में आपने देखा था हमने लिमिट चेंज किया था, ओके, वी हैव चेंज द वेरिएबल्स, इस केस में चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो देर इज़ नो नीड, बिकॉज देखो ये फॉर्मूला में कोई आई नहीं, बिकॉज इसके लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला था, इसके लिए मैंने चेंज किया था, ओके, बट इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंपली आप पहले वाई ले लो या एक्स ले लो, डजेंट मैटर, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ओके। तो हमें क्या करना है, एसेंशियली वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अभी मुझे बताओ वाई का लिमिट कैसा होगा, तो अभी बाहर y है मतलब क्या होगा, मुझे प्रोजेक्ट करना है पूरे ग्राफ को y एक्सिस पे, ओके, मुझे इस ग्राफ का परछाई देखना है किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे ही क्यों देखना है, बिकॉज y हमारा आउटर वेरिएबल है, ओके, एंड x इज अवर इनर वेरिएबल, ओके। तो अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ इस पूरे ग्राफ का, आपको जो भी येलो रीजन दिख रहा है, अगर मैं उसका परछाई देखता हूँ y एक्सिस पे, तो वो कैसे दिखेगा, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, तो इस तरह का दिखेगा। ये आपको जो रेड लाइन दिख रही है दैट विल बी आवर परछाई, ओके, दैट विल बी आवर प्रोजेक्शन। तो ये आगे हमारा परछाई किधर से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेकर स्टार्ट हो रहा है वन तक। तो वाई का लिमिट्स तो मुझे पता चल गया, जाकिर हैदर इज सेइंग एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स, चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो जो हमारा वाई वेरिएबल है वो किधर से किधर जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वन पे ख़त्म हो रहा है। और मुझे बताया अभी एक्स जो हमारे वेरिएबल है किधर से स्टार्ट होगा, एक्स जो हमारा इधर से स्टार्ट होता है, ओके, इस पैराबोला से। अभी इस पैराबोला पे एक्स का वैल्यू कितना है, इस पैराबोला के एक्स का वैल्यू कितना है, ये पैराबोला कौन सा था हमारा, सो दिस पैराबोला वॉज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ओके। तो इस पैराबोला पे, इस वाले पैराबोला पे एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, ओके, तो ये हो गया एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर। और किधम खत्म हो रहा है वो, सो वेयर दिस पैराबोला इज एंडिंग, पैराबोला इज एंडिंग, अवर एक्स इज एंडिंग ऑन दिस पैराबोला। अभी मुझे बताओ इस ये पैराबोला है कौन सा, ये पैराबोला है अपना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी इस पे x का वैल्यू कितना होगा, अगर y मेरा एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x क्या होगा, प्लस माइनस रूट वाई होगा। बट हमें क्या करना है, पॉजिटिव रूट वाई लेना है। क्यों लेना है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब के सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब अच्छा अच्छा होता है। तो वी हैव टू टेक पॉजिटिव रूट वाई, ओके, एंड नॉट द नेगेटिव रूट वाई। तो यह आ गया रूट वाई, किसका किसका आ गया, x का लिमिट्स, x का लिमिट वाई स्क्वायर और रूट वाई। समझ में आया कैसे लेना है पैराबोला, तो देखो दिस इज़ वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग द लिमिट्स, ओके। तो वाई हमारा जो एक्स है स्टार्ट हो रहा है इस वाले पैराबोला से, ओके, ये वाला पैराबोला जो आपको दिख रहा है इस वाला पैराबोला से स्टार्ट हो रहा है और इस वाला पैराबोला पे एंड हो रहा है। सो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर दिस पैराबोला फर्स्ट एंड दिस पैराबोला सेकेंड, ओके। चलो हमने लिमिट तो निकाल लिए, लिमिट निकालने के बाद क्या करते हैं हम, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दोज लिमिट इन द इंटीग्रेशन। सो वाइल इंटीग्रेटिंग द एक्चुअल इंटीग्रल तो क्या आएगा, ये डबल इंटीग्रेशन हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ओके, दिस इज इक्वल्स टू अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का जो इंटीग्रेशन है लिमिट्स क्या आएगा, ओके, देर इज नो प्रॉब्लम, आप पहले डी वाई ले सकते हैं बाद में डी एक्स लेते हैं, देर इज नो इशू, आंसर दोनों का सेम आएगा, ओके, यू कैन एक्चुअली चेक द आंसर इज आइडेंटिकली सेम। तो बढ़ते आगे और लिमिट लिखते फटाफट, मुझे बताओ अभी लिमिट क्या होगा, y का लिमिट कितना है, जीरो से लेकर वन तक, और x का लिमिट है वाई स्क्वायर से चलता है और रूट वाई पे ख़त्म होता है, ओके। राजेंद्र सिंह एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स, वेरी गुड राजेंद्र, अगर आप क्या करते हो स्विच करते हो डी वाई टू डी एक्स से, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, सो जो हमारा y x होगा वो स्टार्ट होगा वाई स्क्वायर से और एंड होगा रूट वाई पे, ओके। तो ये आ गया हमारे वैल्यूज, अभी देखते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अंदर वाला। तो जो हमारा पहला इंटीग्रेशन है अंदर वाला, ये वाला, उसका वैल्यूएट करके देखते कितना आता है, ओके। सो फटाफट मुझे बताओ अभी इंटीग्रेशन कितना आएगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है मेरा, वाई स्क्वायर बाहर चला जाएगा और अंदर क्या बचेगा, वन, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, सिंपली एक्स, ऑलराइट। तो हमारा इंटीग्रेशन तो बन गया, अभी लिमिट भी पुट करना है, दिस इज वेरी क्रूशियल पार्ट, ओके। तो मुझे बताया अभी अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओके, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, अपर लिमिट कितना मेरे पास रूट वाई है, ओके, एंड लोअर लिमिट है मेरे पास वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, रूट वाई का क्यूब कितना होता है, रूट वाई का क्यूब मतलब वाई का पावर थ्री बाई टू बाय
थ्री प्लस अभी जिधर एक्स दिख रहा है उधर रूट वाई पुट करना है, तो वाई स्क्वायर इंटू रूट वाई कितना होगा, वाई रेस टू फाइव बाई टू। ओके अभी क्या करना है, लोअर लिमिट माइनस जिधर एक्स दिखता है उधर वाई स्क्वायर पुट करना है, तो क्या होगा वाई रेस टू सिक्स बाई थ्री माइनस इधर एक्स दिखता है तो वाई स्क्वायर पुट करना है तो वाई रेस टू फोर, ये आ गया डी वाई। तो एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन, ऑल राइट क्वेश्चन इज करेक्ट। तो ये आ गया हमारे वैल्यूज, अभी क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमने दो बार इंटीग्रेशन किया है, सो जाकिर हैदर इज सेइंग 18/105, चेक करते हैं जाकिर कितना आता है, इवन आई डोंट नो द करेक्ट आंसर, लेट्स फाइंड आउट द आंसर टुगेदर। तो हमने ये आ गया आंसर, तो फटाफट मुझे इंटीग्रेशन करना है अभी, सो लेट मी इंटीग्रेट दिस। सो ये इंटीग्रेशन इरेज करते रीजन, लेट मी इरेज दिस। ऑल राइट तो फटाफट अभी इसका इंटीग्रेशन कर देखते कितना आता है। तो y रेस टू थ्री बाई टू बाई थ्री इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सो लेट मी राइट इट हियर प्रॉपरली, y रेस टू थ्री बाई टू बाई थ्री प्लस क्या है, प्लस y रेस टू फाइव बाई टू, y रेस टू फाइव बाई टू माइनस, माइनस क्या था, y रेस टू सिक्स बाई थ्री माइनस y रेस टू फोर, y रेस टू सिक्स बाय थ्री माइनस y रेस टू फोर, चेक कर दे एक बार। ऑल राइट इंटीग्रेशन करेक्ट है, अभी इंटीग्रेट करना है सिर्फ ओवर जीरो टू वन डी वाई। तो मुझे बता अभी, सो y रेस टू थ्री बाई टू बाई थ्री प्लस y रेस टू फाइव बाई टू माइनस y रेस टू सिक्स बाई थ्री माइनस, ओके। तो अभी फटाफट मुझे इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, y रेस टू थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, ओके, प्लस y रेस टू फाइव बाई टू का y रेस टू सेवन बाई टू अपॉन सेवन बाई टू माइनस y रेस टू सेवन अपॉन सेवन मतलब थ्री टू जा ट्वेंटी वन, ओके, एंड y रेस टू फोर का y रेस टू फाइव अपॉन फाइव। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ओवर, इसके सर पे आएगा जीरो एंड वन, ओके। तो अभी फटाफट मुझे बताओ इसका अपर लिमिट क्या होगा एंड लोअर लिमिट क्या होगा, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट तो क्या होगा, टू बाई फिफ्टीन, ओके, टू बाई फिफ्टीन वाई रेस टू फाइव बाई टू प्लस टू बाई सेवन वाई रेस टू सेवन बाई टू माइनस वाई रेस टू सेवन बाई ट्वेंटी वन एंड माइनस वाई रेस टू फाइव बाई फाइव। ये आ गया जीरो और ये आ गया वन। अभी पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट, तो अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो सर्वाइव होगी सभी के सभी टर्म, अगर मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो सभी के सभी टर्म्स क्या आएंगे, वैनिश होंगे। तो क्या होगा, टू बाई फिफ्टीन प्लस टू बाई सेवन माइनस वन बाई ट्वेंटी वन माइनस वन बाई फाइव। तो यह आ गया हमारा, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो देखते कितना आता है, सेवन टू ज़ा फोर्टीन एंड दिस फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी डिवाइड बाय फिफ्टीन सेवन ज़ा सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव कैरी थ्री सेवन वन ज़ा सेवन एंड दिस इज टेन। तो आ गया फोर्टीन प्लस थर्टी बाय वन ज़ीरो फाइव। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दिस विल बी ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव वन ज़ा फाइव फाइव टू ज़ा टेन, ओके, एटीन बाय वन ज़ीरो फाइव, चेक करते कितना आता है। सो इफ आई सॉल्व इट फर्दर व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, सो दिस इज फोर फोर्टी फोर वन ज़ीरो फाइव माइनस ट्वेंटी सिक्स वन ज़ीरो फाइव, तो कितना होगा, दिस इज सेम एज दिस इज गोइंग टू बी एटीन एंड हमारे पास डिनोमेटर में वन ज़ीरो फाइव। तो अगर आप देखते हो अब सिक्स से कैंसिल होगा क्या, सो इफ यू चेक दिस कैंसिलिंग बाई थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन कितना बचेगा, एक थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन एंड थ्री सिक्स ज़ा एटीन, तो कितना आ गया आंसर, सिक्स बाय थर्टी फाइव। तो इतना आंसर आ रहा है सबको, लेट मी चेक दी कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ सिक्स बाय थर्टी फाइव आ रहा है क्या। अगर आपका आंसर एटीन बाई वन जीरो फाइव आ रहा है फिर भी आपका आंसर करेक्ट है। सो किसका किसका आया, राजेंद्र दोकरे का आया एटीन बाई वन जीरो फाइव, कॉन्ग्रेचुलेशन राजेंद्र, इट इज़ इंडीड करेक्ट। एंड झाकी हैदर इज सेइंग एटीन बाय वन जीरो फाइव, झाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आंसर इज इंडीड करेक्ट, ओके। सो और किसका किसका आया चेक करते कमेंट बॉक्स में। सो दोज हुआ गॉट 18 बाई 105 और 6 बाई 35 उनका आंसर करेक्ट है, ओके। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन राइट यस इन द कमेंट, ओके, सो दैट आई कैन मूव अहेड एंड आई विल स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, ओके। सो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो हमको आधे घंटे में पूरे प्रॉब्लम कवर करना है, सो फटाफट जाते हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो फटाफट करते हैं।
ओके लेट मी चेक द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास. सो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. देखो आपको अगर आईसर पीएचडी के लिए उनका हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक इंस्टीट्यूशन का एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है. सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस. ओके कीप चेकिंग द नोटिफिकेशन ऑफ आईसर. ओके अमित का बस चलो फटाफट जिनको समझ में आया कीप रिस्पॉन्डिंग इन द कमेंट सो दैट आई कैन आई विल गेट दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग वट आई एम टीचिंग या. सो कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स ही रहो. चलो फटाफट बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है. डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर आर इज बाउंडेड बाय दिस एक्स इक्वल्स टू टू. ओके वाई इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वन. तो फटाफट पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रीजन ड्रॉ करते हैं. ओके रीजन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा मुझे बताओ. रीजन कैसा दिखेगा इसका. दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. अभी फटाफट मुझे जो हमें रीजन्स दिए वो प्लॉट करना है. तो पहला कौन सा है, एक्स इक्वल्स टू टू कैसा दिखेगा. दिस इज माई एक्स इक्वल्स टू टू लाइन. ओके सेकेंड रीजन क्या दिया हमारे पास. सेकेंड दिया है लाइन y इक्वल टू एक्स. अभी मुझे बताओ y इक्वल टू कैसे दिखेगा. इस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके विथ स्लोप 1. ओके तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स है, ये x इक्वल टू. एंड नेक्स्ट क्या है, x इक्वल x इंटू y. ओके क्या दिया नेक्स्ट, x इंटू y इक्वल्स टू 1. अभी मुझे बताओ x इंटू y इक्वल्स टू 1 क्या होगा. दिस इज नथिंग बट द हाइपरबोला y इक्वल्स टू 1 बाई x. तो वह कैसे दिखता है, दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स, ऐसा कुछ दिखेगा. ओके तो ये हमारा एज. तो इन तीनों लाइन से जो बाउंडेड रीजन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है. अभी देखो ये दो रीजन बन रहे हैं, एक बन रहा है और एक बन रहा है, R1 और R2. मुझे बताओ R1 और R2 में से कौन सा रीजन लेना है. तो हमें हमेशा ऐसा रीजन चूज करना है जिसमें तीनों के तीनों लाइंस इंक्लूड होते हैं, तीनों के तीनों कर्व्स इंक्लूड होते हैं. अगर आप R1 की बात करते हैं तो R1 में देखो सिर्फ दो ही कर्व्स आ रहे हैं, ये वाला लाइन आ रहा है और ये वाला लाइन आ रहा है. ओके बट इसमें क्या हो रहा है, जो बेस आ रहा है वो इंक्लूड नहीं हो रहा. सो दैट्स वाई वट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कंसिडर द अपर रीजन R2. ओके ये जो आपको रीजन दिख रहा है वो हमें कंसिडर करना है, नॉट द R1. ओके सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द रीजन. ओके तो हमें ये रीजन मिल गया. अभी देखो मैं क्या करता हूँ, पहले dx dy लेता हूँ. तो जो dy होगा, dy का लिमिट कॉन्स्टेंट होगा. तो dy कॉन्स्टेंट होगा मतलब क्या होगा, हैव टू प्रोजेक्ट डाउन दिस होल कर्व ऑन दी y एक्सिस. तो हमें जो x होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखो जरा फिर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा x होगा वो अलग अलग दो पासे जा रहा है. अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो क्या होगा, इस लाइन से इस लाइन तक जा रहा है. बट अगर मैं ये वाला रीजन देखता हूँ तो ये पैरा ये इलिप्स हाइपरबोला से इस लाइन पर जा रहा है. तो अगर मैं क्या करता हूँ, y वेरिएबल आउटर वेरिएबल कंसिडर करता हूँ, तो मुझे दो डिफरेंट डिफरेंट रीजन प्लॉट करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. तो हमें ये वाला रीजन ओके इस स्प्लिट करना पड़ेगा. तो ये हमारा हो जाएगा ये R1 और R2. ओके तो इसीलिए क्या करना, हमें दो रीजन पे इवेल्युएट करना पड़ेगा. इट विल बी वेरी टेडियस. सो इंस्टेड ऑफ व्हाट विल डू, वी आर गोइंग टू चेंज द वेरिएबल dx dy का क्या करने हैं, हम dy dx करेंगे. सो इट विल बी ईजी टू इंटीग्रेट. तो समझ में, हम dx dy का dy dx कब चेंज करते हैं ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है. वेन डू वी चेंज, वेन देर इज एम्बिग्विटी, वेन वी हैव टू इंटीग्रेट ऑन द मल्टीपल रीजन्स वी स्विच द वेरिएबल्स. ओके तो हमें स्विच करना पड़ेगा इस बार, बिकॉज अगर मैं dy आउटर वेरिएबल लेता हूँ तो मुझे x के लिए दो बार रीजन कंसिडर करना पड़ेगा. सो इट इज़ कन्वीनियंट टू चेंज द वेरिएबल. तो क्या होगा, इस इंटीग्रेशन x square अपॉन y square dy by dx. सो वी आर चेंजिंग द वेरिएबल्स बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट. ओके तो हमारा जो अभी वेरिएबल आ रहा है अंदर वाला बन रहा है y और बाहर वाला बन रहा है x. ओके तो अमित कापा इज सेइंग 1 बाय इज द करेक्ट आंसर. अमित चेक करते कितना आता है हमारा आंसर. ओके ऑल राइट तो फटाफट मुझे बताओ, अभी पहला इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड बाद में एक्स. तो पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लिमिट फाइंड लिमिट आइडेंटिफाई करना जरूरी है. तो एक्स के लिए क्या करेंगे, इसका पूरा परछाई देखेंगे हम एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे क्यों देख रहे हैं, बिकॉज जो आउटर वेरिएबल रहता है उसी एक्सिस पे हमेशा हम परछाई देखते हैं, उसी एक्सिस पे हम उसका प्रोजेक्शन देखते हैं. तो फटाफट मुझे बताओ उसका प्रोजेक्शन आएगा कैसा, हाउ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस विल लुक लाइक. तो अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ पूरा रीजन एक्स एक्सिस पे तो कैसा दिखेगा, इधर से इधर जाएगा, मतलब वाई इक्वल्स टू वन से एक्स इक्वल्स टू वन से एक्स इक्वल्स टू टू तक. तो हमें एक्स का तो रीजन पता है. अभी एक्स इक्वल्स टू वन ही क्यों है, ध्यान से देखो एक्स इक्वल्स टू वन इधर क्यों लिया हमें, बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड दिस इलिप्स, दिस इज हाइपरबोला एक्स वाई इंटू वन.
तो अगर मैं लाइन कंसिडर करता हूँ वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वन, तो y का वैल्यू एक्सपुट करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो x का वैल्यू हमें पता चल गया है प्लस वन है और माइनस वन, तो माइनस वन का कुछ काम नहीं है बिकॉज माइनस वन हमारे रीजन से बाहर जा रहा है, ओके उसका कुछ काम नहीं है। तो हमें x तो पता चल गया वन है, तो y भी कितना होगा वन होगा बिकॉज दिस इज द लाइन, दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल्स टू y। तो हमें x इक्वल्स टू वन पता चल गया और उसका एंड लिमिट है टू। तो x का रेंज कितना है, x किधर से किधर भाग रहा है, x भाग रहा है वन से लेकर टू तक। अभी हमें फाइंड करना है, जाकिर हैदर इज सेइंग नाइन बाई फोर, चेक करते हैं जाकिर कितना आता है हमारा आंसर। अभी y का लिमिट देखो कितना आएगा, y किधर से किधर भाग रहा है, y भाग रहा है हमारा इस एलिप्स से, सॉरी इस हाइपरबोला से लेकर इस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x से। तो उसका एंड लिमिट क्या होगा, y हमारा भाग रहा है। अभी मुझे बताओ ये अगर x y इक्वल्स टू वन है तो y का वैल्यू कितना होगा, वन अपॉन x होगा। तो y हमारा भाग रहा है 1 अपॉन x से लेकर, y का वैल्यू कितना है x तक, 1 अपॉन x से लेकर x तक। सो हम इसका पास यू ट्राई अगेन, ओके डोंट वरी। तो गलत भी आ गया तो भी ठीक है बिकॉज वी आर लर्निंग, ओके देर इज नो हार्म। सो 9/4, चलिए देखते आगे क्या होगा। अमित अमित कापस डोंट वरी, नॉट नोविंग इज नॉट क्राइम, ओके सो कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर आपका आंसर भी गलत आता है, यू कीप ट्राइंग यू विल गेट द आंसर। सो अभी मुझे बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसका रेंज क्या लिखूँ इधर, वी ऑलरेडी फाउंड द रेंज, एक्स के लिए वन से लेकर टू तक और वाई के लिए वन बाय एक्स से लेकर एक्स तक। सो ऑल राइट वी हैव फाउंड द लिमिट्स, नाउ इट जस्ट हैव टू इंटीग्रेट। तो पहले अंदर वाला वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं। अभी वन अपॉन वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा, वाई स्क्वायर वन अपॉन वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है बिकॉज एक्स स्क्वायर तो हमारा कॉन्स्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वन अपॉन वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा, वाई रेस टू माइनस टू, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, दिस सिंपली वाई रेस टू माइनस वन बाय माइनस वन, मतलब माइनस वन अपॉन वाई। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा बाहर है, माइनस वन अपॉन वाई ओवर द लिमिट वन बाय एक्स टू लेकर एक्स डी एक्स, ओके। तो अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट फटाफट डाल सब्सिट्यूट करते कितना आता है देखते हैं, माइनस साइन को कुछ काम नहीं है बाहर निकाल लो उसके, तो माइनस साइन हमने बाहर निकाला है, तो एक्स स्क्वायर भी बाहर है हमारा, तो सिर्फ जिधर वाई दिख रहा है आपको उधर एक्सपुट करना है, तो कितना होगा वन अपॉन एक्स, और जिधर आपको वाई दिख रहा है लोअर लिमिट के लिए वन बाय एक्सपुट करना है, और ये आ गया डी एक्स। तो सिंपली अभी माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, so this is going to be, sorry this is x square na and this is kya hoga 1 by x, this will be x, so x square upon x cancel hoga, x bachega, x square and x will be x cube dx। to aapko minus sign chahiye to multiply kar do, to kya hoga 1 to 2 x cube minus x into dx, all right। to ye aa gaya hamara integration, to sirf integration ko evaluate karte hain aur dekhte hain answer kitna aata hai। सो इफ आई इंटीग्रेट फर्दर, तो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ओवर वन टू टू कितना आएगा, एक्स क्यूब का कितना होगा एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू। सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके पहले लिमिट पुट करते हैं देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू का पावर फोर है मतलब क्या होगा 16/4 सिंपली फोर माइनस टू पुट करेंगे, अगर टू स्क्वेयर फोर बाय टू टू, यह हो गया अपर लिमिट। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की, वन बाय फोर माइनस वन बाय टू, तो यह हो गया टू माइनस, दिस इज माइनस टू बाय एट, माइनस टू बाय एट मतलब क्या होगा माइनस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर तो क्या होगा टू प्लस वन बाय फोर, तो कितना आएगा टू फोर जो एट, एट प्लस वन नाइन बाय फोर। ऑल राइट, सो नाइन बाय फोर किसका किसका आंसर आया है, लेट मी चेक द कमेंट बॉक्स। सो अमित कापस का आया 9/4, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, 9/4 इंडीड द करेक्ट आंसर, ओके। और किसका किसका आया है, हैदर का आया 9/4, वेरी गुड हैदर, वेरी गुड राजेंद्र धोकरे, सो दोज हु हैव गॉट 9/4 करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, चलो हमने अभी तक तीन प्रॉब्लम किए, सबको समझ में आया प्रॉब्लम, अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस थ्री प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट,
सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम राइट येस इन द कमेंट. और जिसने जिसने अभी जो नए स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स. ओके सो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग आई आई टी जैम एग्जाम, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करो आपके जितने भी ग्रुप्स है आई आई टी जैम. ओके आई आई टी जैम के ग्रुप से उसमें शेयर करो फटाफट. ऑल राइट ओके सो लेट मी शो द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है. सो इन प्रॉब्लम नंबर 4 व्हाट दे आर गिवन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई दिया है. ओके सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस ओवर दिस क्लोज्ड रीजन एक्स इक्वल टू जीरो, दिस आर स्ट्रेट लाइन, वाई इक्वल टू पाई एंड वाई इक्वल टू एक्स. ओके तो फटाफट इसका क्वेश्चन ये ट्राई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ. ओके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ मुझे क्या दिया है. ऑल राइट सो यू टेक 1 to 2 minutes टू ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा. ओके देयर इज नो नथिंग इन इट. तो सबसे पहले ट्राई करो उसका ग्राफ प्लॉट करने का. ग्राफ कैसा होगा उसका, लेट मी गिव यू हिंट अबाउट द ग्राफ. सो दिस इज माई एक्स वाई एक्सिस. ऑल राइट देन एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू जीरो मतलब होता क्या है, अपना वाई एक्सिस. लेट मी चूज अनदर थिंग. ये अपना वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो. देन बात करते हैं वाई इक्वल्स टू पाई की. वाई इक्वल टू पाई, सपोज दिस इज माई पाई. ओके तो ये हो गया अपना वाई इक्वल्स टू पाई लाइन. उसके बाद करते हैं वाई इक्वल टू एक्स मतलब ये स्ट्रेट लाइन. तो तीनों लाइन तो हमने प्लॉट कर लिया. अभी रीजन कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा लेना है. तो ऐसा रीजन लेना है जिसमें तीनों लाइंस बाउंड होते, तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन आएगा. ऑलराइट तो रीजन तो हमें पता चल गया. अभी बात करते हैं उसका इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई. ओके तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन. तो पहले क्या करना है इसका, अपन मुझे बताओ इंटीग्रेशन का लिमिट स्विच करने की ज़रूरत है क्या, डी एक्स डी वाई को हम डी वाई डी एक्स लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, हाउ डू वी डिसाइड. सो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज रीजन एंड द फंक्शन. ओके तो फंक्शन कैसे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. अगर एक्स को मैं वाई भी रिप्लेस करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंटीग्रेंड इज इसेंशियली कॉस ऑफ एक्स वाई. ओके तो देर इज नो हार्म इवन इफ वी चेंज द लिमिट, बट लेट्स कीप एज इट इज़. तो आउटर लिमिट हमें तो पता है वाई. तो आउटर लिमिट जब वाई होता है तो हमें क्या देखना है, इस ग्राफ का परछाई देखना है वाई एक्सिस पे. तो क्या करते हैं, इस ग्राफ को पुश करते हैं किस पे, वाई एक्सिस पे. तो अगर मैं ग्राफ को पुश करता हूँ वाई एक्सिस पे तो क्या होगा, सो वॉट विल हैपन इफ आई पुश दिस ग्राफ ऑन दी वाई एक्सिस. तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिखेगा उसका रीजन. लेट मी शो यू. तो उसका परछाई किधर होगा, इस वाई एक्सिस पे. दिस इज़ द रेड लाइन दैट यू आर सीइंग. लेट मी चूज, ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रहा है वो उसका परछाई होगा किस पे, वाई एक्सिस पे. वो परछाई में लिमिट्स क्या, 0 और 2 पाई. तो हमें वाई का लिमिट्स तो पता चल गया 0 से लेकर पाई तक. अभी देखते हैं एक्स का लिमिट. तो मुझे बताओ अभी एक्स का लिमिट किधर से किधर जाएगा. जाकिर हैदर को आंसर भी मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन जाकिर. -2 इज इंडीड करेक्ट आंसर. -2 करेक्ट आता है इसका आंसर. कंग्रेचुलेशंस. अभी मुझे बताओ एक्स का लिमिट कैसे लेंगे, एक्स किधर से किधर जा रहा है. अगर आप एक्स को देखते हो तो एक्स किधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, एक्स जा रहा है हमारा 0 से लेकर इस लाइन तक. ये लाइन कौन सा है, वाई इक्वल टू एक्स. तो अभी मुझे बताओ इस लाइन पे एक्स का वैल्यू कितना है, वाई ना. तो हमारा एक्स भाग रहा है 0 से लेकर y तक. ओके ऑल राइट तो ये आ गया हमारा एक्स एंड वाई का लिमिट्स. ओके सो एक्स कितना है मेरा, 0 से लेकर y, एंड हमारा y है 0 से लेकर पाई. तो अभी सिंपली इंटीग्रेट करते फटाफट, पाई टू 0. कॉस कंडीशन क्या होगा, कॉस कंडीशन होगा साइन ऑफ x प्लस वाई. ओके सिंपली ये इंटीग्रेशन होगा ओवर 0 to y dy. तो अगर मैं अपर लिमिट फूट करता हूँ क्या होगा, साइन y प्लस वाई साइन 2y. साइन y की जब x के बाद 0 फूट करता हूँ तो क्या होगा, y आएगा.
एंड डी वाई. ऑल राइट, तो हमें पहला इंटीग्रेशन तो पता चल गया, अभी देखते हैं दूसरा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा. तो पहले साइन वाई, टू वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन माइनस कॉस टू वाई अपॉन टू, ओके दिस इज साइन वाई, माइनस साइन साइन वाई का कितना होगा, माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस होगा कॉस वाई. तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन. अभी सिर्फ लिमिट पुट करना है, आंसर आ जाएगा. ओके अमित का भी आंसर टू आ रहा है, अमित का टू आ रहा है, हैदर का माइनस टू आ रहा है. ओके तो दोनों में से चेक करो ज़रा कितना आता है. तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं पाई, तो क्या होगा, माइनस कॉस टू पाई बाय टू, ओके प्लस कॉस पाई, माइनस जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉस जीरो भी जीरो, तो माइनस वन बाय टू एंड दिस इज प्लस वन. ओके तो क्या आता है, सो इफ आई लुक एट दिस लिमिट्स, माइनस कॉस टू पाई मतलब क्या होगा, माइनस वन बाय टू प्लस कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस वन बाई टू माइनस वन. तो ये माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल होगा तो क्या बच रहा है, माइनस वन, और ये माइनस वन बच रहा है, तो आंसर आएगा माइनस टू. तो किसका किसका आंसर माइनस टू आ गया है देखते हैं. राजेंद्र का माइनस टू आ रहा है, जाकिर हैदर का भी माइनस टू आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ देम. अमित प्लीज चेक योर साइन, अमित कापस प्लीज चेक योर साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेदर इट इज प्लस टू और माइनस टू. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एज वेल. सो बढ़ते आगे, हैव यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज राइट येस इन द कमेंट इफ यू अंडरस्टूड दिस. ओके दिस इज वेरी क्रूशल टू आइडेंटिफाई लिमिट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट द रीजन. ओके अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इंटीग्रेटिंग. चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे आपको एक प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया, किसी स्टेप में आपको डाउट है तो बताइए, अभी आई विल एक्सप्लेन. ओके थैंक यू राजेंद्र फॉर योर कमेंट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए बढ़ते आगे. ऑल राइट यू ट्राई दिस प्रॉब्लम एज वेल और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताए कितना आएगा. चलो फटाफट ये ट्राई करो प्रॉब्लम. सेम है क्या दिया, व्हाट द गिवन प्रॉब्लम नंबर फाइव ट्राई करो ये और उसका आंसर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कमेंट बॉक्स में मुझे पहले बताओ इसका रीजन दिखेगा कैसा. ओके देन बात करते हैं उसका इंटीग्रेशन की, बात करते हैं लिमिट्स की. मैथमेटिक्स स्ट्रीट आईडी, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियर सर, थैंक यू हैदर. तो चलिए फटाफट ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रॉब्लम नंबर फाइव, उसको इवैल्यूएट कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा. ओके ओके यू हैव टू मोर टू मिनट्स टू ट्राई दिस प्रॉब्लम. ओके सो देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस. क्या करें गर्ल्स का रीजन दिखाएगा कैसे, हाउ दिस रीजन विल लुक लाइक, एक्स एक्सिस हो गया या अपना वाई एक्सिस. ओके कैसे दिखेंगे तीन लाइंस, अभी देखो पहला क्या दिया, एक्स वाई इक्वल्स टू वन या हाइपर बोला है, बाद में वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई इक्वल टू एक्स नथिंग बट स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप वन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके और चौथा लाइन दिया हमारा एक्स इक्वल्स टू टू. तो देखो हमारा जो पिछला प्रॉब्लम था हमारे पास, लेट मी शो यू. ओके तीन लाइंस थे अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए उसमें क्या थे, तीन लाइंस हमें दिए थे, पर जो क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है उसमें हमें चार लाइंस दिए. ओके सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो देखो पहले क्या दिया, एक्स वाई इक्वल्स टू वन मतलब कैसे दिखेगा, इट्स अ पैराबोला और सॉरी इट्स अ एलिप्स. ओके इट्स काइंड ऑफ एलिप्स लाइक दिस. ओके दिस इज वॉट एक्स वाई इक्वल्स टू वन. देन बात करते हैं वाई इक्वल टू जीरो मतलब कौन सा, वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस ये वाला लाइन. ओके बाद में आता है y इक्वल टू जीरो हो गया, y इक्वल टू एक्स कैसे दिखेगा, दिस इज द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड देन आता है
एक्स इक्वल्स टू टू, सपोज दिस इज माई एक्स इक्वल्स टू। अभी मुझे बताओ इसका रीजन कौन सा लेना है, देर आर डिफरेंट रीजन, ये भी रीजन होगा, ये भी रीजन होगा, ये भी रीजन होगा, बट हमें कौन सा लेना है मुझे बताओ फटाफट। सो वॉट रीजन आई हैव टू चूज, वॉट रीजन आई हैव टू चूज, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। सो ऑब्वियसली ऐसा रीजन चूज करना हमें जिसमें क्या होता है चारों चारों लाइन्स आता है। तो अगर देखो मैं ऊपर वाला रीजन लेता हूँ, अगर मैं ये वाला रीजन करता हूँ तो इसमें सिर्फ तीन लाइन आ रही है, ये वाला और ये वाला, चारों लाइन नहीं आ रहे। ओके तो हमें कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ये वाला आएगा क्या, इसमें भी तीन आ रहा है। सो सिर्फ यही ऐसा रीजन है जिसमें क्या हो रहा है चारों के चारों रीजन्स आ रहे हैं। ओके तो सिर्फ हमें ये वाला रीजन कंसिडर करना है। ओके यू कैन सी दिस येलो येलो शेडेड रीजन वी हैव टू कंसिडर। ओके तो देखो इस येलो शेडेड रीजन में भी कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो जरा। सो देयर विल बी टू डिफरेंट रीजन वी हैव टू कंसिडर। ओके अगर आप एक्स एक्सिस पे भी प्रोजेक्ट करते हो तो क्या देखेंगे आपको, हमारा जो वाई होगा वो इधर से इधर, देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ आपको, जो हमारा वाई होगा पहले एक इस जीरो से स्टार्ट होगा और इस स्ट्रेट लाइन पर ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ, हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इस हाइपरबोला पे ख़त्म हो रहा है, तो वी हैव टू कंसिडर टू डिफरेंट रीजन। अगर मैं एक्स से भी जाता हूँ, ओके एक्स एक्सिस पे जाता हूँ, तो क्या होगा, वी हैव टू गो फ्रॉम टू डिफरेंट रीजन। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कंसिडर टू डिफरेंट रीजन। ओके तो अभी दो डिफरेंट रीजन कैसे आएंगे, ध्यान से देखो जरा, विच टू डिफरेंट रीजन हैव टू कंसिडर। सो वॉट वी हैव टू कंसिडर, ओके लेट मी ड्रॉ द लाइन। ओके ये वाला रीजन हमें कंसिडर करना है, बट देखो देर आर टू डिफरेंट रीजन, नेमली दिस फर्स्ट रीजन आर वन एंड दिस सेकेंड रीजन आर टू। तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो दो डिफरेंट रीजन पे इंटीग्रेशन करना है। अभी दो डिफरेंट रीजन पे क्यों करना है, बिकॉज अगर आप क्या करते हो वाई से वाई एक्सिस पे नीचे से ऊपर जाते हो तो क्या देता है, देर आर टू डिफरेंट लाइन्स। ओके यू कैन सी देर आर टू डिफरेंट लाइन्स। ओके तो अगर मैं इस साइड से जाता हूँ, फिर से एक बार देखो, अगर मैं y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो मैं इस लाइन पे ख़त्म हो रहा हूँ, बट अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं y इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करता हूँ और इस हाइपरबोला पे ख़त्म हो रहा हूँ। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें दो डिफरेंट रीजन कंसिडर करना पड़ेगा, r1 एंड r2, ये हमारा r1 और ये हमारा r2। ओके सो दिस इज द वाई वी हैव टू कंसिडर टू डिफरेंट रीजन। तो फटाफट करते हैं रीजन ड्रॉ। तो पहला रीजन r1, अभी r1 कैसा है हमारा, देखो r1 का इधर इंटरसेक्शन है वो कैसा है, हाइपरबोला और जो हमारा लाइन है स्लोप जिसका वन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो हाइपरबोला कितना है मेरे पास, एक्स वाई इक्वल्स टू वन एंड दिस लाइन इज नथिंग बट वाई इक्वल टू एक्स। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वाई का वैल्यू एक्स पुट करता हूँ तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू वन, तो एक्स इज प्लस माइनस वन, तो दिस इज नथिंग बट प्लस वन। तो ये जो पॉइंट है हमारा वन है। ओके और ये पॉइंट कौन सा हो, ये वन है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, वन ही होगा। तो ये जो हमें ट्राइंगल बन रहा है आर वन, उस पर पहले इंटीग्रेट करके देखते कितना आता है। सो लेट्स नेम दिस इंटीग्रेशन आई वन, बेस डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ओके मैं आई वन करूँगा, आपको आई टू करना होगा। अंचल मौर्य सेइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी टू रीजन मिलेगा, यस पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी दो रीजन मिलेगा, ऐसे मिलेगा। देखो तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से जाता हूँ, ध्यान से देखो हमारा रीजन कैसा ऐसा है। ओके ये हमारा कौन सा लाइन है, एक्स इक्वल्स टू टू वाला। तो अगर मैं एक्स एक्सिस जाता हूँ तो इस स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता हूँ, ध्यान से देखो फिर से एक बार, इस स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता हूँ और किधर एंड होता हूँ, हाइपरबोला पे। बट अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो स्ट्रेट लाइन से इस वाई इक्वल टू एक्स से स्टार्ट होता है और किधर एंड हो रहा हूँ, मैं एक्स इक्वल्स टू टू पे एंड हो रहा हूँ। तो अगर आप एक्स एक्सिस से भी जाते हो तो भी आपको दो रीजन मिलेगा। ओके सो अब दिस इज द रीजन वाई वी हैव टू कंसिडर टू डिफरेंट रीजन। तो अभी मुझे बताओ इस ट्राइंगल में आई वन में लिमिट्स क्या आएगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, y हमारा आउटर लिमिट है तो y हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो ट्राइंगल हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आउटर लिमिट 0 से 1 जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, x से y मिल गया, अभी x से क्या जाना है, x का लिमिट देखना है। तो x किधर से किधर जा रहा है ट्राइंगल के अंदर, x स्टार्ट हो रहा है y से और किधर ख़त्म हो रहा है, इस लाइन पे। ये लाइन कौन सा है हमारा, x इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा x इक्वल्स टू 1 पे ख़त्म होगा। ओके तो अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वाई का आउटर लिमिट है 0 टू 1, x का लिमिट है y टू 1। तो सिंपली इंटीग्रेट करते हैं y इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वाई स्क्वायर एक्स ओवर
y टू वन डी वाई, तो क्या होगा, दिस इज वन टू ज़ीरो, अपर लिमिट वन है और लोअर लिमिट y है। चेक करो आंचल मौर्या, लिमिट विल बी y टू वन, ओके, नॉट ज़ीरो टू x, ओके। तो जो हमारा y का लिमिट्स है, जो आउटर लिमिट हमें प्रोजेक्शन से मिलता है हमेशा, ये आपको याद रखना है, जो हमेशा आउटर लिमिट है ट्रायंगल का, वो कैसे मिलेगा, इस ट्रायंगल को आपको प्रोजेक्ट करना है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे ही क्यों, क्योंकि वही हमारा आउटर वेरिएबल है, ओके। तो इसीलिए 0 टू 1 y होगा, एंड y x कैसे मिलेगा, x मिलेगा y टू 1, ओके। जो बात करते आगे, पहले अपर लिमिट क्या होगा, 1 बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, एक्स यहाँ पे 1 पुट करना है तो वाई स्क्वायर आएगा, माइनस अगर मैं x की जगह क्या पुट करता, 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 0 होगा, x की जगह y पुट करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस y क्यूब बाई 3 माइनस दिस इज y क्यूब डी वाई, ओके। सो जाकिर हैदर सिंह, इंटीग्रेशन ऑफ आई वन इज हाउ मच यू आर गेटिंग, 1 बाई 3, ओके, चेक करते हैं 1 बाई 3 आता है या नहीं आता है, 1 बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3 माइनस, अभी देखो वाई क्यूब बाई 3 मतलब क्या होगा, दिस इज 4 बाई 3 वाई क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई 3 वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई रेस टू 4 बाई 4 बाई 4 4 4 कैंसिल होगा तो वाई रेस टू 4 बाई, तो अपर लिमिट कितना होगा, अपर लिमिट 1 तो 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, लोअर लिमिट 0 होगा तो 1 बाई 3 आ रहा है, तो किसका किसका आंसर आ गया, 1 बाई 3, आई 1 कितना आ रहा है हमारा, 1 बाई 3, ओके। सिमिलरली आपको क्या करना है, आई 2 भी ट्राई करना है, ओके। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके, सो आई हैव टू मूव फास्ट, सो आप ट्राई करो, आपका जो आई 2 मिलेगा, आई 2 कितना आएगा, सो आई ऑलरेडी सॉल्व दिस, सो यू विल गेट इट टू बी 93/24, ओके, ये वैल्यू आएगा आई 2 का, यू ट्राई दिस वैल्यू ऑफ आई 2। तो हमें आई 1 कितना मिला था, आई 1 आया था 1 बाई 3, ओके, आई 2 मिला हमें 39/24, ओके। सो आई कैसे मिलेगा, दोनों इंटीग्रेशन के एडिशन से, आई 1 प्लस आई 2, तो दिस इज सिंपली 1 बाई 3 प्लस 39/24। तो डिनोमिनेटर कॉमन करना है, तो क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 8 को डिनोमिनेटर में दिया है तो ऊपर भी देना है, बिकॉज नहीं तो न्यूमरेटर को बुरा लगेगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8 थ्रू आउट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, बिकॉज हमें डिनोमिनेटर कॉमन बनाना है, ओके। तो 8 प्लस 39 डिवाइड बाय कितना आएगा, 24, 8 प्लस 39 मतलब कितना होगा, 47/24, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड लिमिट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एज वेल। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लिए मैं दिया है वो आपको प्रैक्टिस करना है, 39/24, ऑलराइट, ठीक है जाकिर, यू चेक आंसर कितना आ रहा है आपका, आई वन और आई टू को ऐड करने के बाद, हाउ मच यू आर गेटिंग, तो कितना आएगा आंसर, 47/24, सो इसका आंसर कितना होगा, आंसर फॉर दिस विल बी 47/21, ओके। सो दिस फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा 47/21, ओके। सो जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देने वाला हूँ, ओके, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको खुद को ट्राई करना है, ओके। सो मैंने जो बताया टैक्टिक्स वैसे फॉलो करना है टैक्टिक्स, ओके। तो दो पैराबोला दिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दो स्ट्रेट लाइन दिया और एक पैराबोला दिया, ओके, दो स्ट्रेट लाइन दिया, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1, एंड दिस पैराबोला, दोनों पैराबोला, तीनों जो कर्व्स है तीनों का इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है, ओके। तो जाकिर हैदर सिंह, 47/24, कॉन्ग्रेचुलेशन जाकिर। आंचल मौर्या, यू ट्राई टू एड बोथ दी इंटीग्रेशन और चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है, ओके। और जो प्रॉब्लम नंबर 6 में दिया आपको खुद को ट्राई करना है, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ कितना आएगा इसका, सो लेट मी चेक द आंसर, तो इसका आंसर आएगा, लेट मी राइट द आंसर एज वेल, इसका आंसर आएगा आपके पास 1/4 ई माइनस 1, ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चेक करो इसका आंसर आपका इतना आ रहा है नहीं, 1/4 ई माइनस 1, ओके। सो देर इज गुड न्यूज़ फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ओके। सो जो भी महाराष्ट्र सेट का जो कल एग्ज़ाम हुआ था, ओके,
उसका अगर आप एस्पिरेंट्स हो वो आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम, तो हम कल लेके आ रहे आपका डिस्कशन सीरीज़। ओके तो इसमें क्या करने वाले, सुबह 10 AM से शाम 6 बजे तक हम पूरा पेपर डिस्कस करने वाले। सो इंडिविजुअली ईच फैकल्टी विल कम एंड डिस्कस देयर पार्ट्स। ओके शिवांगी मैम इज़ गोइंग टू डिस्कस द एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन। ओके मनोज सर इज़ गोइंग टू कवर रियल एनालिसिस। अपूर्वा मैम इज़ गोइंग टू कंडक्ट दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस। ओके COB, जो विकास सर आएंगे लीनियर अलजेब्रा लेके। सो जो भी आपके डाउट्स है महाराष्ट्र सेट में जो कल एग्जाम हुआ था उसका डिस्कशन है। तो जितने भी आपको डाउट्स है क्वेरीज है, यू कम विथ ऑल योर क्वेरीज। ओके सर ईच फैकल्टी विल रिजॉल्व योर क्वेरी। ओके सो आई एम ऑल्सो कमिंग लाइव एट 6 PM वेर आई एम गोइंग टू डिस्कस माई पार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस। ओके सो मिलते हैं कल। और देखो मॉर्निंग में हमारा जो टेस्ट चल रहा है अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो कल 10 बजे हम मिलेंगे। ओके 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, तो जितने भी सेक्शन से एब्स्ट्रैक्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ओके वेक्टर कैलकुलस, जो भी टॉपिक्स है इंडिविजुअल फैकल्टी डिस्कस करने वाली है। सो कम फ्रॉम 10 AM। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो जो भी आज का सेशन देखा है, जो अपने अगर फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इफ़ यू आर फ्रेंड्स वो आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जाम, शेयर दिस वीडियो विद देम। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवेंट लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू लाइक, बिकॉज यू नो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियोज़। वी आर टेकिंग लॉट ऑफ वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ कॉन्टेंट दिस डेज। ओके सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।